Okay, good morning class. Welcome to BLED first year. Myself Shreya Chandra and we are starting with the new topic. कल हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. ठीक, आई होप कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कब बना है, इसके कितने किन नामों से ये जाना जाता है और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्ले करता है. आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी. आगे मूव ऑन करते हैं. अब बात करते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, ये कितने डिवीज़न में है और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्ले करता है. एवरीथिंग वी विल गोइंग टू नो अबाउट स्टेट गवर्नमेंट. ओके, so let's start with the notes that you are able to see on the screen. It says that in a federal form of government, federal का मतलब कल मैंने बताया था कि federal system वो system होता है जो group of regions को control करता है. ठीक, group of regions क्या हो गए, जो आपके अलग अलग states हैं उनको. तो central government क्या करता है, states को control करता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, in a federal form of government, that means कि इंडिया की जो government है that is like a federal form. ठीक, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ रीजन्स को कंट्रोल करता है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को कंट्रोल करता है. ऑलराइट, द स्टेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज सब डिविजन्स एंड शेयर पॉलिटिकल पावर विद द नेशनल गवर्नमेंट. यानी स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कंट्री के जो डिविजन्स हैं उनको कंट्रोल करता है. तो कंट्री के डिविजन्स क्या हैं, कंट्री के डिविजन्स हैं आपके स्टेट्स. ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट विच कंट्रोल द कंट्री सब डिविजन एंड ऑल्सो इट शेयर्स द पॉलिटिकल पावर विद द नेशनल गवर्नमेंट. यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं जो कि वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है. ठीक, फिर आगे देखते हैं, ये कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज अ सोवरिजन सोशलिस्ट सिक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द कंट्री हैज़ थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स. यानी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा इंडिया है, उसमें जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, सेक्यूलर होगी, यानी कि बिना भेदभाव के होगी. और सोवरिजन मतलब वहाँ पे राजा होगा, संप्रभुता होगी वहाँ पे. ठीक, डेमोक्रेटिक होगा यानी लोग वहाँ पे शामिल होंगे, जो सिटीजन्स हैं उन वो अहम रोल प्ले करेंगे. तो ये सब क्या बताया जा रहा है, ये इंडिया की खूबी बताई जा रही है. तो फिर आगे ये कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ कंट्री दैट इज इंडिया हैज़ थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है सेंट्रल, स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. बिसाइड्स द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज. तो यूनियन टेरिटरीज के अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें, उस गवर्नमेंट में पंचायत्स भी शामिल होते हैं रूरल एरियाज़ में. यानी कि जो रूरल एरियाज़ यानी जो विलेज एरिया है वहाँ पे जो पंचायत होती है वो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, यानी गवर्नमेंट का ही पार्ट है. ठीक, फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़. तो अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ जितनी होती हैं वो सब गवर्नमेंट का ही पार्ट होती हैं. ठीक, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट. So it says, further it says that in India the state government are the level of government below the central government. यानी जो state government होती है वो किसके नीचे होती है, किसके under होती है, वो central government के under होती है. ठीक, each state of the country, यानी country का हर state is governed by the state government. All right, there are 29 states government in our country, each of which is headed by the governor and the chief minister. yani har state mein apna apna governor hota hai aur chief minister hote hain jise hum kehte hain cm. aur un cm ke jitne bhi cm hain unki apni alag council of ministers hoti hai. theek, jaise hum lucknow ki baat kare to lucknow ke cm kaun hai, yogi adityanath. to yogi adityanath की पूरी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो गए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते हैं.
यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलग मिनिस्टर देखेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को अलग मिनिस्टर देखेगा, स्पोर्ट्स को अलग मिनिस्टर देखेगा। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु वर्क विद सीएम एंड गवर्नर। इतना कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की। तो पहला, जैसे कि हम लोग ने सेंट्रल में भी पढ़ा था कि स्ट्रक्चर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है आपका एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा होता है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव में कहते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल में हम लोग ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर्स पढ़े थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि गवर्नर होता है एग्जीक्यूटिव में, यानी जो टॉप लेवल टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके गवर्नर इन्वॉल्व होते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर होता है एंड द अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यानी जितने भी स्टेट हैं और उनके जो सीएम हैं वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 5 ईयर्स के बाद। 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, और 5 ईयर्स के बाद फिर से वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के आधार पर, उस इलेक्शन के आधार पर प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं सीएम को। ठीक, देन इट सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर, बट द एक्चुअल पावर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कहते तो हैं कि जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके हाथ में है? वो गवर्नर के हाथ में है, लेकिन इन रियलिटी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सीएम और काउंसिल मिनिस्टर्स के हाथ में होती हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उनको एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो एग्जीक्यूशन जो होता है वो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही होता है। ठीक, देन मूविंग ऑन, सेकेंड स्ट्रक्चर इज नोन एज जुडिशरी। अब यहाँ पे देखिए, जुडिशरी में हमने कल भी सेंट्रल में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट एंड अदर स्टेट हाई कोर्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेशन कोर्ट सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखते हैं कि स्टेट वाइज में किस तरीके से जुडिशरी हमारी इन्वॉल्व होती है। तो स्टेट हाई कोर्ट हैव ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द होल स्टेट। यानी अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश इज वन स्टेट, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो पूरे उत्तर प्रदेश पे रूल करेगी। ठीक है, या पूरे उत्तर प्रदेश को देखेगी। इन द स्टेट द जुडिशियल सेटअप इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। जो जो जुडिशरी होती है उसका जो हेड होता है हु इज नोन एज चीफ जस्टिस। ठीक, ही मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द इंटायर जुडिशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट पर्टेनिंग टू क्रिमिनल, सिविल एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिटिगेशन। यानी जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुपीरियर होते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूट जुडिशरी स्ट्रक्चर के सुपीरियर होते हैं चीफ जस्टिस, और वो चीफ जस्टिस पूरे पूरे स्टेट के जितने भी केसेस होते हैं रिलेटेड टू क्रिमिनल, रिलेटेड टू सिविल और एनी काइंड ऑफ केसेस, वो सब किसके अंडर होता है? चीफ जस्टिस के अंडर। ठीक, फिर ये कहते हैं स्टेट हाई कोर्ट हैव टू हाउ एवर रिपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच मे ओवर राइड द हाई कोर्ट्स फाइंडिंग एंड जजमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाई कोर्ट को, अब हमेशा से क्या होता है कि जो नीचे काम करता है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है अपने ऊपर वाले को, यानी अपने से जो हायर पोजिशन पे होता है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। सेम इज विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो, कि हाई कोर्ट में जितने भी केसेस लड़े जाते हैं या जो भी कुछ काम होता है उसको रिपोर्ट किसको करना होता है? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे इस्टैब्लिश है? इट इज इस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। ओके, नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग हाउसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल हम लोग ने सेंट्रल में पार्लियामेंट के बारे में जाना था, राज्यसभा लोकसभा, वैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसे डिवाइड है, किस
कितने हाउसेस में. तो ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ठीक है, या विधानमंडल आप कह सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड वन हाउस और टू हाउस. तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? गवर्नर इन्वॉल्व होते हैं, और या तो एक हाउस होगा या तो दो हाउस होंगे, ठीक है. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दो हाउसेज हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एक हाउसेज हैं या एक हाउस है. तो एज द केस मे बी इन सेवन स्टेट्स द गवर्नमेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल. बाई कैमरल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं. बाई कैमरल मीन्स हैविंग टू हाउसेज, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि सेवन स्टेट्स आर देयर हु आर हैविंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर. दीज स्टेट्स आर बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. तो अब आपको पता चल गया अपने स्टेट के बारे में कि यहाँ पे कितने हाउसेज हैं. यहाँ पे दो हाउसेज हैं, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर. दीज स्टेट्स हैव टू हाउसेज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे जो दो हाउसेज हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी इन सात स्टेट्स को छोड़ के और बाकी जो स्टेट्स बचे हैं वो सब कैसे हैं? वो सब यूनिकैमरल हैं, यानी एक हाउस है. देयर इज ओनली वन हाउस नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबलीज आर हेडेड बाय द CM, ठीक. अब लेजिस्लेचर के भी दो डिविजन्स हैं, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब यहाँ पे किस तरीके से लोग अपॉइंट होते हैं वो हम देखेंगे. नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 40 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर विथ 36 मेंबर्स. यानी ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनका 1/3 होना चाहिए, या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 40 मेंबर्स होने चाहिए आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे 36 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है. साथ में यहाँ पे MLC भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. फिर इसके अलावा MLAs इन्वॉल्व होते हैं, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं बच्चे, अगर वो इसमें पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि गवर्नर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं. एंड देन नो MLC कैन बी मेम्बर ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. जितने भी आपके MLC होते हैं, यानी मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, दे कैन नॉट बिकम अ मेम्बर ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, यानी सेंट्रल में नहीं जा सकते हैं. फिर उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. तो नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेम्बर्स, यानी मैक्सिमम लिमिट आपकी 500 है और मिनिमम लिमिट आपकी 60 है, ठीक. असेंबली ऑफ सिक्किम इट हैज़ 32 मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे फिर से एक्सेप्शंस आ जाते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्शन किस कौन से स्टेट में दिखाया गया है? सिक्किम के स्टेट में, जिसमें 32 मेंबर्स की लिमिटेशन है. फिक्स नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे रहती हैं, मतलब हर स्टेट में जो मेंबर्स की सीट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं. डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट्स में वेरिएशंस होते हैं. ये नहीं ज़रूरी होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 60 सीटें हैं तो हर स्टेट में 60 सीटें होंगी, नहीं, स्टेट वाइज वो वेरिएशंस हो सकती हैं. फिर इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे यानी कि विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं दे आर नोन एज MLA, ओके, एंड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. और ये जो MLAs होते हैं ये किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं? ये उस स्टेट के लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट. स्टेट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी एंड मैनी अदर डिपार्टमेंट्स. यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर
इस तरीके के छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को रखा जाता है, जिसके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पहला जो रोल बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन द इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। इंटरनल सिक्योरिटी इज मैनेज थ्रू स्टेट पुलिस। अब यहाँ पे स्टेट की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कौन मेंटेन करता है, किसके थ्रू स्टेट मेंटेन करवाती है, वहाँ की जो स्टेट पुलिस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक ऑर्डर। स्टेट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी स्टेट जो राज्य है वो पुलिस को भी कंट्रोल करता है और जो पब्लिक होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। यानी पुलिस के लिए कोई ऑर्डर निकलता है तो भी उसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पब्लिक के लिए कोई ऑर्डर निकलता है तो भी वो उसको कंट्रोल करती है। फिर अब बात करते हैं एजुकेशन की। प्रोवाइडिंग अ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, मेंटेनिंग स्कूल बिल्डिंग्स एंड कॉलेजेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स, प्रोवाइडिंग हेल्प टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, ऑल कम अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। अब जितने भी आपके प्राइवेट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एजुकेशन की बात हो रही है। नाउ पब्लिक एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू मेंटेनिंग द स्कूल बिल्डिंग्स, जितने आपके सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, सरकारी टीचर्स होती हैं, इन सब से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब कौन देखता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ठीक, कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितने कॉलेजेस बनाने हैं, टीचर्स को कैसे अपॉइंट करना है, ये सारी चीज़ें आपका स्टेट गवर्नमेंट देखता है। तो बहुत जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, TET हो गया और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जिसके थ्रू टीचर्स अपॉइंट होती हैं, तो ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कौन करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फार्मर्स, फंड्स फॉर बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, डिजीज प्रिवेंशन एंड एड ड्यूरिंग डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड और ड्राउट्स। अभी जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट इज द ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, चाहे वो बेड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, जो भी XYZ जो भी ज़रूरतें हैं वो सब कौन मैनेज कर रहा है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है एग्रीकल्चर के बारे में भी कि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है। ठीक, चाहे वो फंड्स प्रोवाइड करवाने के का काम हो, या फार्मर्स को सपोर्ट करने का काम हो, या जो फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं उनको बेटर करने का काम हो, वो सब कुछ ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं आगे फाइनेंसेस की। द स्टेट लेजिस्लेचर हैंडल्स द फाइनेंशियल पावर ऑफ द स्टेट, विच इंक्लूड ऑथोराइजेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज़ द पावर टू ओरिजिनेट मनी बिल्स, ओके, इट हैज़ कंट्रोल ओवर टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड वेल्थ एंड सेल्स टैक्स। तो बेसिकली आपके पूरे राज्य में किस तरीके से टैक्स कहाँ पे कितना लगेगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, कितना टैक्स पब्लिक से लिया जाएगा वो सब ये आपका स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ बिल्स की। द स्टेट गवर्नर मे रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कि स्टेट अपने मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट की के लिए कोई बिल पास करवाना चाह रहा है तो वो बिल पास करवाएगा कब, जब तक उसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का उस पर फीडबैक नहीं मिल जाएगा या प्रेसिडेंट से वो परमिशन नहीं ले लेगा, तब तक कोई भी बिल किसी भी राज्य में पास नहीं होगा। ठीक, देन ट्रांसपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट रन्स द रेन्स सॉरी रन्स द ट्रेन्स, इट शुड बी ट्रेन्स, इट इज रिटन ओवर हियर रेन्स, ट्रेन्स एंड बस एंड फेरी सर्विसेज एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द स्टेट्स। अब जितने भी रेलवे से रिलेटेड जितनी ट्रेन्स हैं,
आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस चलती हैं, ऑटो चलते हैं और टैक्सीज चलती हैं, तो ये सब भी, इसका भी जो किराया होता है, कितना कितना टिकट लगेगा, ये सब सब कुछ कौन करता है, गवर्न, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब अगर मान लीजिए जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो ट्रांसपोर्ट मतलब एवरीथिंग इज डिवाइडेड, राइट? ये नहीं कि डायरेक्ट सीएम हर चीज़ को देखते हैं, नहीं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट का भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, और वो फिर अपनी परमिशन लेते हैं सीएम से, देन सीएम परमिशन लेते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, या अगर कोई बिल पास कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट से लेते हैं। तो इट इज़ ऑल डिवाइडेड एंड इट इज़ ऑल, यू कैन से इट इज़ ऑल कंपाइल्ड इनटू अ लैडर फॉर्म, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगले रोल की, तो वाटर सप्लाई की बात यहाँ पे हो जाती है कि वाटर सप्लाई ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर ड्रिंकिंग इंक्लूडिंग इरीगेशन फॉर फार्मर्स एंड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी अपने राज्य में पानी पहुँचाना, लाइट पहुँचाना, पीने का पानी पहुँचाना और खेत में पानी पहुँचाना, और इस तरीके की सारी जितनी भी वाटर सप्लाई से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सब मेंटेन करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो लास्ट रोल है वो है आपका बजट, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट मेक बजट फॉर स्टेट। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट पेश करते हैं, ठीक? तो वो कौन से लेवल पे करते हैं? वो नेशनल लेवल पे करते हैं, वो कंट्री लेवल पे करते हैं। लेकिन यही उसी तरीके से हर स्टेट अपना अपना बजट पेश करता है, जो कि सीएम पेश करते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ये भी आप समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जो फंड्स होते हैं स्टेट के पास, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट को फंड्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? जैसे इट हैज़ द पावर टू गिव फंड्स टू ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिला परिषद, कॉरपोरेशन एंड अदर डिपार्टमेंट्स। आपने ये सब डिपार्टमेंट सुने होंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो ये सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनको फंड्स प्रोवाइड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ठीक है? तो आई होप कि आपको स्टेट गवर्नमेंट भी समझ में आ गया होगा कि वॉट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, वॉट टाइप ऑफ रोल इट प्लेस एंड वॉट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट टेक्स, और कितने स्ट्रक्चर हैं इसके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, एंड वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू क्लास।